दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ सूजी आलू पूरी का रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हाँ दोस्तों, सूजी आलू के साथ भी बहुत अच्छा पूरिया बना करके तैयार हो सकता है। उसमें गेहूं का आटा भी डाला जाता है, खाने में बेहद स्वादिष्ट बनता है। इसे बनाना बहुत इजी है, दो चार टिप्स की जरूरत है जो बनाने के वक्त बताती जाऊंगी। सो लेट्स मूव टू माय मस्ट किचन टू प्रिपेयर सूजी आलू पूरी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कप सूजी। एक कप सूजी के साथ हम दो कप गेहूं का आटा लेंगे। इसमें एक बड़ी चम्मच बेसन ऐड कर देंगे। छोटा सा पैन में आधा छोटी चम्मच जीरा और आधा छोटी चम्मच सौंफ हम एक मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद इसे ठंडा करके हम ग्राइंड कर लेंगे। सूजी आटा वगैरह में हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। इसके साथ हम आधा छोटी चम्मच चीनी भी ऐड कर देंगे। अब हम जीरा और सौंफ पाउडर जो हम ड्राई रोस्ट करके पीस के रखे हैं उसे ऐड कर देंगे। आधा छोटी चम्मच अदरक पेस्ट भी ऐड कर देंगे। दो चुटकी हींग ऐड कर देंगे। अंत में एक बड़ी चम्मच रिफाइंड ऑयल या घी ऐड कर देंगे। और इसके साथ हम एक मीडियम साइज का आलू उबाल करके लिए हैं। इसे अच्छी तरह हम मैश कर लेंगे और वो मैश पोटैटो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिला देंगे। ये देखिए इस तरह। अब मिक्सिंग बोल में हम एक कप गर्म पानी ऐड कर देंगे। इसे गूंथने में एक कप गर्म पानी का ही ज़रूरत है। चम्मच से मिला देंगे क्योंकि ये काफ़ी गर्म है, हम अभी हाथ नहीं लगा सकते। दोस्तों इसमें एक कप सूजी और दो कप आटा है। इसे गूंथने के लिए हम एक कप गर्म पानी लिए हैं। चम्मच से मिक्स करने के बाद हम इसे 20 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। अब ढक्कन को खोल के हम करीब 3 मिनट के लिए इसे गूंथ लेंगे। नीट करके हमें इसे चिकना बनानी है। ये देखिए पूरी के लिए अब आटा डो बन करके तैयार है। इसे हम साइड में रख देंगे, ढक देंगे। अब कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। मैं यहाँ पे करीब आधा कप तेल लिए हैं। इधर चकला बेलन आटा डो और सूखा आटा रेडी रखा है। हम थोड़ा सा आटा डो ले लेंगे और इसे गोल करके चिपटा करके लोई बना लेंगे। सूखा आटा से कोट करके हम बेलना शुरू करेंगे। इसे हम गोल पूरी का शेप देंगे। ये देखिए इस तरह हम चार पूरियां एक साथ बेल लेंगे। फिर हम एक एक करके फ्राई कर लेंगे। चार पूरियां हम बेल लिए हैं, तेल काफी गर्म है। अब इसमें हम एक एक करके पूरी ऐड कर देंगे। बड़ी आसानी से ये पूरियां फूल उठता है। ये देखिए इसे पलट देंगे। इस साइड भी हम करीब 20-30 सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे।
एक प्लेट में किचन टॉवल रेडी रखे हैं। अब हम पूरी को निकल करके उस किचन टॉवल में रख देंगे। इसमें एक्स्ट्रा तेल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। पूरी हम निकाल लेंगे। ये देखिए एक पूरी बन करके तैयार है। इसी तरह हम बाकी पूरियाँ भी बना लेंगे। ये देखिए पूरियाँ अपने आप ही फूल उठेगा। अगर कोई पूरी नहीं फूल रहा हो तो हल्का हाथों से आप करछी से इसे प्रेस कर देंगे इस तरह। ये देखिए पूरियाँ फूल उठेगा। इसी तरह हम सारे पूरियाँ बना लेंगे। इस रेसिपी के साथ आप बहुत ही टेस्टी पूरियाँ बना करके तैयार करेंगे। इसे अपना फेवरेट करी के साथ सर्व करें और बड़े मज़े से खाएं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का रेसिपी। इसे अपना किचन में ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग माई मस्त किचन।